राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच शनिवार को 629 पदों के लिए फायरमैन भर्ती परीक्षा आयोजित की गई। शहर में प्रमुख स्कूलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए। फायरमैन परीक्षा के लिए जयपुर, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर संभाग मुख्यालय पर केंद्र बनाए गए। प्रदेश के 150,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा में अभ्यर्थियों को सवाल के साथ ही कड़ाके की सर्दी का भी सामना करना पड़ा। गाइडलाइन के अनुसार अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान कोट, मफलर, जैकेट, जर्किन और ब्लेजर पहनकर परीक्षा के लिए कमरे में नहीं जा सके। ऐसे में अभ्यर्थियों को परीक्षा के दौरान सर्दी से ठिठुरना पड़ा, लेकिन इसके बाद सिर्फ शर्ट में अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। महिला अभ्यर्थी भी शॉल, स्टॉल, मफलर के बिना परीक्षा केंद्र पर पहुंची। अभ्यर्थियों के लिए ये गाइडलाइन, ड्रेस कोड का पालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया गया। परीक्षा के दौरान पानी की बोतल, पर्स, बैग, ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, तख्ती, पैड, गत्ता, पेन ड्राइव, रबर, टेबल स्कैनर, किताबें, नोटबुक, पर्चियां, वाइटनर लाने पर रोक रही। इसके साथ ही 1.5 घंटे पहले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों पर रिपोर्टिंग करने के साथ ही परीक्षा का समय के बाद प्रवेश नहीं दिया गया। 2 पारी में होगी परीक्षा। फायरमैन परीक्षा सुबह पहली पारी 10 से दोपहर 12 बजे तक आयोजित हुई, जबकि FO असिस्टेंट फायर ऑफिसर परीक्षा दूसरी पारी में दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक आयोजित हुई। भर्ती परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ऐसे में कट ऑफ हाई रहने की संभावना है।